नमस्कार। विराट कोहली द्वारा भारतीय टीम की बागडोर संभालने के बाद भारतीय टीम में कई बदलाव आए हैं। भारतीय टीम के खेलने की शैली बदली है। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम के खेलने का अंदाज अलग था और अलग है। हालांकि यहां दोनों कप्तानों की कोई तुलना नहीं की जा रही है। कोहली की कप्तानी में बीते दौर में भारतीय टीम ने जो विदेशी धरती पर कर दिखाया है वो अविश्वसनीय सा लगता है। टेस्ट के फॉर्मेट में भारतीय टीम एक अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है। भारतीय टीम अब मैच गंवाने के डर से और ड्रॉ कराने की कोशिश से ऊपर उठकर भारतीय टीम मैच जीतने का प्रयास करती है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया फतेह किया। अब नजरें 14 साल बाद इंग्लैंड फतेह करने पर हैं। भारत ने इंग्लैंड में आखिरी बार टेस्ट सीरीज 2007 में जीती थी, लेकिन इंग्लैंड को उसी के घर में हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर भारत आखिरी टेस्ट मैच भी गंवा देता है तो ये सीरीज बराबरी पर छूट जाएगी। 5 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 10 सितंबर से मैनचेस्टर के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच को अपने नाम करने के लिए विराट को कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। क्रिकेट के गलियारों में खबरें हैं कि विराट कोहली आखिरी टेस्ट मैच के लिए टीम में बदलाव कर सकते हैं, जिसके चलते कोहली अपने फेवरेट खिलाड़ी का दिल तोड़ सकते हैं। भारतीय टीम ने चौथे टेस्ट में अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी को आराम दिया था। उनकी जगह टीम में उमेश यादव को मौका मिला और उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में आखिरी टेस्ट मैच से उनको बाहर नहीं किया जा सकता, लेकिन चौथे टेस्ट मैच में सिराज अपनी छाप छोड़ने में उतने सफल नहीं रहे। ऐसे में सिराज की जगह शमी की वापसी टीम में कराई जा सकती है। मैनचेस्टर में होने वाले 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी खेलते हैं तो टीम इंडिया की ताकत दोगुना हो जाएगी। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और उमेश यादव जैसे घातक गेंदबाजों से निपटना इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगा। वहीं सीरीज में जडेजा अब तक प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे हैं। शुरुआत के 2 मैचों में जडेजा को स्पिनर के तौर पर एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ। चौथे टेस्ट में जडेजा का बल्ला नहीं चला। हालांकि पिच के मुफीद होने के चलते जडेजा विकेट निकालने में कामयाब रहे, जबकि दूसरी ओर विराट ने अनुभवी अश्विन को एक ही मैच में मौका नहीं दिया, जिसके चलते विराट पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अश्विन को जडेजा की जगह मौका दिया जा सकता है। हालांकि अंतिम मुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी ये मैच से पहले पता चलेगा। आपको क्या लगता है, विराट सेना इंग्लैंड में इतिहास रच पाएगी या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।